बॉम्बे या मुंबई को अंग्रेजों ने बड़े प्यार से संवारा है. फॉर देम इट वॉज देयर क्रिएशन. बॉम्बे जो था उस समय का, वो अंग्रेजों की लाइफस्टाइल, उनकी लग्जरी, उनकी जीवन शैली वहां पर ब्लूम हुई और वो गढ़ बना इन सब चीजों का. इट वॉज लाइक लंडन फॉर देम. तो जाहिर सी बात है, क्रिकेट क्लब्स, कॉफी हाउसेस, ये सब बॉम्बे में पहले आए. अमीर पारसी कम्युनिटी के साथ अंग्रेजों का ताल्लुक बढ़ा और बेक्ड आइटम्स जो थे, जो कॉफी हाउसेस में जो क्यूजीन थी वो डेवलप हुई. अंडा और ब्रेड, ये दो चीजें इंग्लिस्तान की देन है भारतीयों को. इससे पहले भारत में अंडा खाया नहीं जाता था क्योंकि अंडे को जीवन का स्रोत माना जाता था, और ब्रेड, जो बेक्ड ब्रेड है, वो यूरोप की देन है, इंग्लिस्तानियों की देन है भारत को. तो अंडे और ब्रेड के ऊपर बेस्ड जो डिशेस हैं, जैसे पफ्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, पुडिंग्स हो गई, ये सब डेवलप हुई. और जो पार्टीज होती थी या कॉफी हाउसेज होते थे, वहां पे बेक्ड गुड्स होना, बेक्ड आइटम्स होना बहुत आम बात होती थी, क्योंकि आप पहले से बना के रख लीजिए, बेक करके रख लीजिए और देन आपको सिर्फ सर्व करना है. सो आज ऐसी ही एक क्लासिक ब्रिटिश पुडिंग बनाते हैं, विच इज रादर एंग्लो इंडियन पुडिंग, विच इज कैरेट एंड जिंजर पुडिंग विथ टी इन्फ्यूज्ड कस्टर्ड. सो टाइम टू मेक कैरेट एंड जिंजर पुडिंग. और कैरेट और जिंजर पुडिंग बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले रहा हूं 115 ग्राम सॉल्टेड बटर, सॉफ्ट बटर में ले रहा हूं. और सॉफ्ट बटर को इसमें हम ऐड करेंगे 175 ग्राम ब्राउन शुगर. ये ब्राउन शुगर हमने इसमें ऐड की, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. आप चाहें तो आजकल तो हैंड ब्लेंडर्स काम में आ गए हैं, विस्कर्स आने लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ट्रेडिशनल गुड ओल्ड हैंड बीटन मेथड इज बेस्ट. अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जितना आप इसको मिक्स करेंगे उतना ये क्रीमी और फ्लफी बनेगा. मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएंगे अंडे, एक एक करके डालेंगे. एक अंडा डाल देता हूं, इसको मिक्स करेंगे आराम से. अगर आपने बहुत फास्ट इसको मिक्स करा तो अंडा फट जाएगा. सो जेंटली इसको मिक्स करेंगे. इसके बाद ये गया दूसरा अंडा, और अब फाइनली तीसरा अंडा. इसको मिक्स करके एंड देन अब इसमें जाएगा 2 चम्मच लेमन जेस्ट. इस डिश की एग्जैक्ट प्रोपोर्शन हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी रखी है, आप चाहे तो वो चेक कर सकते हैं. सो 2 चम्मच मैं इसमें डाल देता हूं लेमन जेस्ट, एक बहुत अच्छा अरोमा देगा पुडिंग को. इसी के साथ इसमें जाएगा 50 ग्राम जिंजर पेस्ट. जिंजर पेस्ट कैसे बनाएं, 2 पार्ट्स जिंजर और 1 पार्ट पानी, मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए, जिंजर पेस्ट तैयार हो जाएगा. 50 ग्राम के करीब आपको चाहिए. ये गया इसमें जिंजर पेस्ट. ओके, अब इसके एंग्लो इंडियन में थोड़ा इंडियननेस लाते हैं. अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, लगभग 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला हमने ऐड किया. अब हम लेंगे मैदा. मैदा के अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर. इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए. और अब हमारा जो वेट मिक्सचर था, हमारा जो मैदा और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर था, उसको भी हम इसमें डाल देते हैं. उसमें हमने डाला लगभग 100 ग्राम ग्रेटेड कैरेट. ये गई इसमें 100 ग्राम ग्रेटेड कैरेट. अब आप इसे जेंटली फोल्ड करते जाइए, और बस जब ये एक स्मूथ बैटर बन जाएगा तो कुछ नहीं करना, हमें एक बेकिंग डिश लेनी है, स्टीमिंग डिश लेनी है,
ये स्टीम्ड पुडिंग है, आप चाहें तो इसे अवन में भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली ये स्टीम तरीके से बनती थी। तो डिश को पहले हम बटर से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। मैं अच्छी तरह से डिश को साइड्स पे और बेस में ग्रीस कर देता हूँ। ये डिश हो गई हमारी ग्रीस, एंड देन इसमें हम ऐड करेंगे हमारा ये बैटर। ये इसमें गया बैटर, इसको मैं इवन कर देता हूं ऊपर से, और बस डिश में ये बैटर डालकर इसको स्मूथ करने के बाद विल कवर इट विद एल्यूमिनियम फॉइल। अच्छी तरह से इसको हम सील कर देंगे ताकि जब स्टीम करेंगे और पानी ड्रिप जो होता है ऊपर से, वो पानी इसको सॉगी ना बना दे। नाउ टू स्टीम दिस, हम यूज कर रहे हैं एक बड़ा सा पॉट मैंने ले लिया है। इसमें हम एक कटोरी को उल्टा करके रख देते हैं ताकि देर इज अ गैप बिटवीन द बॉटम एंड द स्टीमिंग बेकिंग डिश। इसके ऊपर जाएगा हमारा ये पुडिंग, और पुडिंग के बाद अब इसमें बहुत केयरफुली साइड से आप डाल दीजिए पानी। इतना पानी इसको रखना है कि लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे या आराम से स्टीम होता रहे, पानी खत्म नहीं होना चाहिए लास्ट तक भी, तो आप इतना पानी भरिए। एंड उसके बाद हम इसको कर देंगे कवर और हम होने देंगे इसे स्टीम। सो इसे 2-2.5 घंटे तक आराम से स्टीम करिए। जब तक ये स्टीम हो रहा है, हम बना लेते हैं हमारा टी कस्टर्ड। सो टी कस्टर्ड बनाने के लिए डेफिनेटली पहले चाय बनाने की जरूरत है। चाय बनाने का एक बहुत सिंपल तरीका है, मैंने कॉन्कॉक्शन ऑलरेडी तैयार किया हुआ है चाय का। मैंने क्या किया, सिंपल दूध उबाला, दूध के अंदर 2 इलायची डाली, इलायची के बाद चाय की पत्ती डाली, उसको अच्छा बॉयल दिया। वी हैव टू ब्रिंग आउट द कलर ऑफ टी। तो पूरा अच्छा बॉयल देने के बाद उसको छान लिया, वो डिकॉक्शन आप रख लीजिए तैयार करके। अब टी कस्टर्ड बनाने के लिए आई एम टेकिंग 3 egg yolks, ओनली योक पार्ट, नो वाइट पार्ट। इस एग योक में मैं ऐड कर देता हूं 1 चम्मच नमक और आइसिंग शुगर। अगेन जो एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आपको इसको बीट करना है, और बीट करना है तब तक जब तक कि ये जो मिक्सचर है ये ब्राइट येलो से पेल येलो ना हो जाए, क्रीमी ना हो जाए। तो बस इसको बीट करिए। बीट करने के बाद में अब हम इसमें मिला देते हैं जो हमारा चाय का डिकॉक्शन था, वो आराम से इसको मिला दीजिए। जस्ट गिव इट अ स्टर, और ये स्टर करने के बाद इसको हम और भी ज्यादा डाइल्यूट करेंगे विद फ्रेश क्रीम, और वो मैं ऐड कर रहा हूं। मिक्स करिए। अब हमें इसको बहुत धीमी आंच पे पकाना है। देखिए अगर तेज आंच कर देंगे तो कस्टर्ड जो है वो कस्टर्ड नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। सो कस्टर्ड बनाना है, इसको कंटिन्यूस चलाते रहिए क्योंकि इसमें एग योक है वो थिकन करेगा, क्रीम है तो नीचे लगने के चांसेस बहुत होते हैं, तो आपको कंटिन्यूसली चलाना है। और कहां रुकना है ये देखिए, जब आप अपने स्पैचुला निकालेंगे तो स्पैचुला पे इस तरीके से कट मारिए। अगर ये ड्रिप नीचे नहीं हो रहा, दैट इज द परफेक्ट कंसिस्टेंसी जब आप गैस ऑफ करके इसको उतार सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको गैस ऑफ कर देते हैं, इसको स्ट्रेन करेंगे ताकि कुछ भी अगर रेसिड्यूअल पार्टिकल है तो वो निकल जाएगा आराम से। और ये हमने स्ट्रेन करके इस डिकॉक्शन के ऊपर भी आप एल्यूमिनियम फॉइल से इसको कवर कर दीजिए अच्छे से, ताकि ऊपर एक मलाई की सी लेयर ना आए, यू नो इट विल बी स्मूथ, इट विल स्टे स्मूथ। सो इसको कवर कर दीजिए, एंड ये डिश जो है ये अब जाएगी फ्रिज में 2 घंटे के लिए चिल होने, ताकि ये और थोड़ा थिक होएगा। और फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि पुडिंग के साथ क्या करना है। भारत में चाय की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। चाय डेफिनेटली चाइना से आई है, और चाय को भारत लाने का श्रेय भी अंग्रेजों को जाता है। तो दे वर द ट्रेडर्स, यू नो जिस कंट्री में उनको जो चीज लगी कि इससे मुनाफा हो सकता है वो उसको पूरी दुनिया में फैला देते थे, अपना मार्केट बना लेते थे। सो बागानों की एस्टैब्लिशमेंट हुआ आसाम में, दार्जिलिंग में, और यहाँ से चाय एक्सपोर्ट होती थी सारी दुनिया में। तो जब अंग्रेजों को ये लगा कि इंडिया भी बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है चाय के लिए,
तो रेलवे स्टेशन्स पे पहली बार मुफ्त में चाय पिलानी शुरू की गई इंडियंस को। और आज देख लीजिए उसका नतीजा कि हम हिंदुस्तानियों का दिन चाय के बिना शुरू भी नहीं होता। तो दिस इज व्हाट ब्रिटिश हैज गिवन टू अस। सो ढाई घंटे हो गए हैं स्टीम होते हुए पुडिंग को, और अब आई गेस हमारी पुडिंग रेडी है। एक बार देख लेते हैं, फॉइल हमने हटाया, ये देखिए परफेक्ट एकदम रेडी हुआ है। अब इसको सर्व करने का तरीका, एक पैन में थोड़ी सी ब्रांडी लीजिए, उसको जरा सा गर्म करिए और पैन को टिल्ट करिए। पैन टिल्ट होएगा, वो आग पकड़ेगा और उस फ्लैम्बेड ब्रांडी को आप इस पुडिंग के ऊपर पोर कर दीजिए। एंड देन यू कैन सर्व दिस विद टी कस्टर्ड ऑफ कोर्स, डाजल योर गेस्ट विद दिस एंग्लो इंडियन डेलिकेसी। जरूर बनाइए, ट्राई करिए और हमें बताइए कैसी लगी। बनाइए ये क्लासिक ब्रिटिश एंग्लो इंडियन डिजर्ट, कैरेट एंड जिंजर पुडिंग एंड टी इन्फ्यूज्ड कस्टर्ड। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस ऑन दिस क्रिसमस एंड न्यू ईयर फेस्टिव सीजन। मैं आपसे अभी के लिए विदा लेता हूं, अगली बार आपके लिए एक और ब्यूटीफुल एंग्लो इंडियन डिश लेकर आऊंगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, बिकॉज वहां पर लिंक है इस रेसिपी का एंड वहां पर लिंक है इस खूबसूरत शर्ट का जो मैंने पहन रखी है। दिस इज बाय देवलोक सिल्क, तो जरूर चेक करिएगा। एंजॉय दिस फेस्टिव सीजन, हैप्पी कुकिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।